आगरा। सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ ताजनगरी में भी सपाइयों ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निजीकरण के साथ तमाम मुद्दों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। सपा जिला कार्यकारिणी और यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय का गेट भी बंद कर दिया गया था, तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। लिखित के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं, खासकर युवा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने जोशीले अंदाज में योगी और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। प्रदर्शन के दौरान चौंकाने वाली बात यह रही कि जो पुलिस कुछ एक सपाइयों के प्रदर्शन से पहले ही उन्हें नजरबंद कर लेती थी और किसी भी कीमत पर सपाइयों को जिला मुख्यालय नहीं पहुंचने देती थी, वे पुलिस सोमवार के प्रदर्शन के दौरान पूरी तरह सपाइयों के आगे मूक दर्शक बनी रही। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर। ब्यूरो चीफ नीरज यादव की रिपोर्ट, कैमरामैन अभिषेक यादव के साथ। सही बात है, जेल में दीजिए, मेरा कार्यकर्ता को नुकसान नहीं करेगा, आपके किसी भी कानून पर तो नहीं तोड़ेगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम लोगों की वजह से आपको कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है डीएम साहब नहीं आ सकते हैं, डीएम साहब बहुत बड़े यहाँ अधिकारी हो गए, शायद हम 2 साल का पट्टा लेके आए, तो उनसे कह दीजिए वो अपने ऑफिस में बैठे, मैं यहाँ बैठूंगा। आपको कार्रवाई करनी है, मुझे जेल भेज दीजिए, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डीएम साहब से नहीं जा पाऊंगा। थोड़ी जगह कर लो तो यार, फोटो हो जाए। नाम बताइए, नाम बताइए। मैं राम गोपाल बघेल, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज किस उद्देश्य से ज्ञापन दिया? देखिए, बेरोजगारी, निजीकरण और स्टूडेंटों पर होता हुआ अत्याचार, प्रदेश में मरते हुए किसान आत्महत्या कर रहे हैं, चारों तरफ हत्याएं हो रही हैं, ये गुंडा और नेताओं के गठजोड़ से चल रही सरकार के विरोध में आज हमने धरना प्रदर्शन ज्ञापन देने आए हैं। और आज हमने प्रशासन से मांग की है कि हम डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, अगर डीएम साहब ज्ञापन लेने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप अधिकारी ये समझ रहे हैं कि 90 साल के पट्टे पर यहाँ आगरा में है, तो वो किसी भी जनता के काम को नहीं कर रहे हैं, जनता चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, तो हम ऐसी सरकार और ऐसे अधिकारियों का घोर विरोध करते हैं। आज मांग करते हैं कि डीएम साहब स्वयं यहाँ ज्ञापन लेने आए, उससे पहले हम किसी से समझौता नहीं करें। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन है, ये प्रदेश में बढ़ती हुई शिक्षा, किसान बेहाल है, बेरोजगारी है, शिक्षा का निजीकरण है, महंगी शिक्षा, आरक्षण पर बार और बीएड में एससी छात्रों को निःशुल्क प्रवेश पर रोक है, इसलिए समाजवादी पार्टी का एक प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश में ताना सरकार चल रही है, योगी और मोदी प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं, रेल का निजीकरण कर दिया, शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया, इससे छात्र नौजवान बेरोजगार है और बेरोजगार के विरोध में आज हम धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा ये मांग है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अखिलेश आज ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो यूथ विंग की और पूरे जिला इकाई के लोग आए थे और उन्होंने ये ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी कुछ बातें जो वर्तमान में पिछले कुछ दिनों से घटित हुई हैं उसको संज्ञान में लाने के लिए और सरकार तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये माध्यम चुना है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, किसानों की समस्याएँ हैं, बेरोजगारी की समस्या है या वर्तमान में जो निजीकरण की समस्या है, इसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को हम द्वारा उचित माध्यम, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम शासन तक पहुंचाएंगे। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत, बुलंद खबर।